हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्री राम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस प्लान कैसे हम प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि बिजनेस प्लान होता क्या है। ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, एक ऐसा पेपर है जो ऑर्गेनाइजेशन का खुद का रेज्यूमे बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या होता है, एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, ऐसा पेपर है जो ऑर्गेनाइजेशन का खुद का रेज्यूमे बन जाता है। इस पेपर के ऊपर हम क्या लिखते हैं, एंटरप्रेन्योर की पूरी पूरी विजन उतर के इसके ऊपर आ जाती है। और ऐसा बिजनेस प्लान या ये कागज, मतलब जो भी है इस कागज के ऊपर, जो भी इस पेपर के ऊपर हम कुछ भी लिखते हैं, मतलब कि एंटरप्रेन्योर की पूरी विजन इस पेपर के ऊपर आती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस प्लान। ऑर्गेनाइजेशन का ये पता चलता है जिस बिजनेस को, आइडिया को लेके मार्केट में उतर रहे हैं वो उसकी वर्थ क्या है। ठीक है, जो बिजनेस आइडियाज को की वर्थनेस को भी चेकिंग करने के लिए बिजनेस प्लान काम आता है। बिजनेस प्लान में क्या होता है कि बिजनेस प्लान होता है क्या है, एक आपके जो आइडिया है उसको एक रिटर्न वे में प्रेजेंट करता है। ठीक है, और ओरल से ज्यादा क्योंकि इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, रिटर्न वर्क को। ठीक है, बिजनेस प्लान को हम कैसे करते हैं कि जो भी हमारा आइडिया है वो रिटर्न वे में हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस प्लान। अगर हमारा प्लान अप्रूव हो जाता है तो हम क्या करते हैं, लॉन्ग रेंज की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं कि कितना ईयरली हमारे को प्रोडक्शन करना है और गोल सेट करना है, ये सब हम स्टार्ट कर देते हैं। बिजनेस प्लान को हम फाइनेंशियल टूल भी बोलते हैं। ठीक है, बिजनेस प्लान को क्या बोलते हैं, हम फाइनेंशियल टूल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, बिजनेस प्लान क्या होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो कि एक बिजनेस को डिस्क्राइब करता है। बिजनेस प्लान के अंदर हम कवर करते हैं ऑब्जेक्टिव, स्ट्रेटजी, सेल्स, मार्केटिंग एंड फाइनेंशियल फोरकास्ट। बिजनेस प्लान के अंदर कई फंक्शंस होते हैं, फ्रॉम सिक्योरिंग एक्सटर्नल फंडिंग जो कि मेजर करता है बिजनेस के सक्सेस को। ठीक है, क्लियर हो गया, बिजनेस प्लान एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, एक ऐसा पेपर है जो ऑर्गेनाइजेशन का खुद का रेज्यूमे बन जाता है। इस पेपर के ऊपर एंटरप्रेन्योर की पूरी विजन उतर के आती है, एंड बिजनेस प्लान वही, उसको हम क्या बोलते हैं, बिजनेस प्लान। और ऑर्गेनाइजेशन का पता चलता है कि जिस बिजनेस को, आइडिया को लेके हम मार्केट में उतर रहे हैं क्या उसकी वर्थनेस है या नहीं, ये बिजनेस आइडिया की वर्थनेस को चेकिंग करने में भी काम आता है। बिजनेस प्लान क्या है कि एक हमारा जो, हमारे अंदर जो आइडिया आ रहा है उसको रिटर्न वे से रिप्रेजेंट करता है। अगर हमारा जो प्लान है वो अप्रूव हो जाता है तो हम लॉन्ग रेंज की प्लानिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब कि ईयरली कितना प्रोडक्शन करेंगे और गोल सेट करते हैं। बिजनेस प्लान को हम फाइनेंशियल टूल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया, बिजनेस प्लान क्या होता है, ये डिफाइन करता है एंटरप्रेन्योर का विजन और सर्व करता है फर्म का रिज्यूम। ठीक है, ये एक ऐसा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान होता है, एक ऐसा पेपर होता है जो ऑर्गेनाइजेशन का खुद का रिज्यूमे बन जाता है। इस पेपर के ऊपर एंटरप्रेन्योर की पूरी पूरी विजन उतर के आती है, और ऑर्गेनाइजेशन का ये पता चलता है कि जिस बिजनेस को, आइडिया को लेके मार्केट में उतर रहे हैं क्या वो वर्दी है या नहीं। बिजनेस प्लान आपके आइडिया को एक रिटर्न रूप में प्रेजेंट करता है। अगर प्लान अप्रूव हो जाता है तो वो लॉन्ग रेंज प्लानिंग करते हैं और गोल सेट करता है। बिजनेस प्लान को हम फाइनेंशियल टूल भी कहते हैं, एंड बिजनेस प्लान अगर रिटर्न फॉर्म में होता है तो एंटरप्रेन्योर भी इंटरेस्ट रखते हैं आपकी कंपनी में पैसा लगाने के लिए। बिजनेस प्लान इंस्ट्रक्शनल बायर को भी अट्रैक्ट करता है। अब बात आती है कि क्या क्या कारण होते हैं जिस वजह से हम लिखते हैं, रीजन क्या क्या है बिजनेस प्लान को लिखने के। एक तो फर्स्ट, ये इंप्लॉयज को अट्रैक्ट करता है, और मतलब कि इंस्ट्रक्शनल बायर को अट्रैक्ट करता है क्योंकि बिजनेस प्लान रिटर्न फॉर्म में होता है और उसका इंटरेस्ट भी आता है एंटरप्रेन्योर में पैसा लगाने के लिए। ठीक है, एंड ये अट्रैक्ट करता है एम्प्लॉयज को और अट्रैक्ट करता है इन्वेस्टर्स को कि आप हमारी कंपनी में आओ और पैसा लगाओ। ठीक है, क्योंकि बिजनेस प्लान रिटर्न फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, एंड
इसमें डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, मींस जो कल का बिजनेसमैन होता है वो हमारे तरह हमारे किस तरह से बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज को लेके आ रहा है, एंड ये रिटन फॉर्म में बिजनेस प्लान होता है तो किस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हमारे को अचीव करना है, ये एक ओरिजिनल विजन को भी शेप देता है और कन्विंस करता है वन सेल्फ दैट न्यू वेंचर इज वर्थवाइल। इसमें क्या होता है बिजनेस प्लान के अंदर कि हम एक न्यू वेंचर को कन्विंस करते हैं कि वो कैसा हो, वर्थवाइल हो, उसकी क्या हो, वर्थ हो, मतलब इम्पोर्टेंस हो, और असिस्ट करते हैं मैनेजमेंट को गोल सेटिंग के लिए भी और लॉन्ग रेंज प्लानिंग के लिए भी, इसलिए हम क्या करते हैं बिजनेस प्लान को लिखते हैं। ठीक है, बिजनेस प्लान हेल्प करता है एंटरप्रेन्योर को कि एलोकेट करो रिसोर्स अप्रोप्रिएटली और हैंडल करो अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम एंड मेक द गुड बिजनेस डिसीजन। ठीक है, बिजनेस प्लान किस किस चीज में हेल्प करता है कि एंटरप्रेन्योर है वो एलोकेट करे रिसोर्सेज को अप्रोप्रिएटली और जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हैंडल करे, जो भी अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आ रही है उन्हें हैंडल करे और गुड बिजनेस डिसीजन ले, ये बिजनेस प्लान का काम है। अगर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्लान होगा तो वो किसका पार्ट होगा, एनी लोन एप्लीकेशन का। ये कैसा होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए। ठीक है, एंड कई बार ना मिसकंसेप्शन आ जाती है बिजनेस प्लान इसलिए बनाया जाता है क्योंकि कैपिटल को रेज करना है, ये क्या है एक इसके बारे में कॉमन मिसकंसेप्शन है। मेन मोटो क्या होता है बिजनेस प्लानिंग का, जो कि हेल्प करता है बिजनेस प्लान का, किस लिए हेल्प करता है कि वो शेप देता है ओरिजिनल विजन देता है इनटू ए बेटर अपॉर्चुनिटी बाय रेजिंग द क्रिटिकल क्वेश्चंस, रिसर्चिंग द आंसर फॉर दोज क्वेश्चन एंड देन आंसरिंग देम। ठीक है, ये जो मिसकंसेप्शन दूर करना चाहता है जो एंड्रियो ने दी है, वो क्या कह रहे हैं कि जो बिजनेस प्लान है वो यूज इसलिए नहीं किया जाता कि कैपिटल रेज करनी है, बल्कि बिजनेस कंसेप्शन बिजनेस प्लान का मेन मोटिव होता है कि ओरिजिनल विजन को शेप देना। ठीक है, यानी रिटन फॉर्म में बिजनेस प्लान होता है किस तरह अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम अचीव कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि दो टाइप के एंटरप्रेन्योर होते हैं, ठीक है, कुछ सॉरी दो टाइप्स के प्लान बनाते हैं कुछ एंटरप्रेन्योर, वो कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट इज द प्लानिंग डॉक्यूमेंट और सेकंड इज द मार्केटिंग डॉक्यूमेंट। प्लानिंग डॉक्यूमेंट किस लिए यूज होता है, इंटरनल यूज के लिए, और मार्केटिंग डॉक्यूमेंट ये अट्रैक्ट करता है आउटसाइड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, प्लानिंग डॉक्यूमेंट में क्या करते हैं कि इंटरनल यूज के लिए हम डॉक्यूमेंट लाते हैं, यानी कि बिजनेस के सारे सीक्रेट्स होते हैं इसके अंदर, बिजनेस के लिए गाइड का काम करता है ये प्लानिंग डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट मार्केटिंग डॉक्यूमेंट में क्या होता है, और जो ये स्मार्ट एंटरप्रेन्योर है वो ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दो बिजनेस जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से दो प्लान बना के चलते हैं, फर्स्ट प्लानिंग डॉक्यूमेंट और सेकंड मार्केटिंग। प्लानिंग तो इंटरनल यूज के लिए, इंटरनल यूज में क्या होता है जैसे कि बिजनेस के सारे सीक्रेट्स होते हैं, बिजनेस को गाइड करने का काम करता है। और मार्केटिंग डॉक्यूमेंट का काम क्या होता है, इसमें हम अट्रैक्ट करते हैं आउटसाइड इन्वेस्टमेंट, मतलब कि जिसको दिखा के बैंक से लोन ले सकते हैं और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल या बायर को अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच सकते हैं। ठीक है, मार्केटिंग डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि जिसको दिखा के बैंक से हम लोन भी ले सकते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल या बायर को अपना प्रोडक्ट या सर्विस भी बेच सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड बिजनेस प्लान है वो 30 से 40 पेजों का होता है, और अच्छी फॉर्मेटिंग के लिए, अच्छी बिजनेस प्लान की फॉर्मेटिंग के लिए बुलेट और शॉर्ट्स का यूज किया जाता है। और जो लैंग्वेज होती है बिजनेस की वो कैसी होती है, पॉलिश्ड होती है, लोकल नहीं होती, जार्गन और फ्लोज नहीं होते, और जो टोन होती है बिजनेस प्लान की वो कैसी होती है, बिजनेस साउंड की एंथुजिस्टिक होती है, स्ट्रोंग होती है, यानी कि पढ़ने वाले को कन्विंस करता है, उस ऑर्गेनाइजेशन को अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है कि एंटरप्रेन्योर इसमें आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, दूसरे एंटरप्रेन्योर को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, कि आप इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। अब हम देखते हैं कि क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं बिजनेस प्लान को प्रिपेयर करने में। क्लियर हो गया कि कौन कौन से दो प्लान होते हैं, स्मार्ट एंटरप्रेन्योर हैं वो बिजनेस की ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस के अंदर दो प्लान बनाते हैं, फर्स्ट प्लानिंग और सेकंड मार्केटिंग डॉक्यूमेंट। प्लानिंग डॉक्यूमेंट किस लिए होता है,
ये इंटरनल यूज के लिए होता है, बिजनेस के सारे सीक्रेट होते हैं इसके अंदर और बिजनेस के लिए गाइड करता है। मार्केटिंग डॉक्यूमेंट में क्या होता है कि आउटसाइड इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करता है, जिसको दिखा के बैंक से लोन भी ले सकते हैं और क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल या बायर को अपना प्रोडक्ट या सर्विस भी बेच सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड बिजनेस प्लान है वो 30 से 40 पेजों का होता है। अच्छी फॉर्मेटिंग, बुलेट्स और शॉर्ट्स का यूज किया जाता है और जो लैंग्वेज होती है बिजनेस प्लान की वो पॉलिश्ड होती है, लोकल नहीं होती, जार्गन और फ्लोज नहीं होते। और जो टोन होती है बिजनेस प्लान की वो कैसी होती है, एंथुजियास्टिक होती है, स्ट्रॉन्ग भाव होता है और जो पढ़ने वाले को कन्विंस करता है कि उस ऑर्गेनाइजेशन से वो अट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ये सभी का सभी है एंटरप्रेन्योर के बिजनेस प्लान के लिए। ठीक है, बिजनेस प्लान कैसा होना चाहिए, कौन कौन से कितने जो स्मार्ट एंटरप्रेन्योर है वो टू टाइप्स के प्लान बनाता है, क्या क्या कारण होते हैं बिजनेस प्लान को बनाने के लिए। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स के बारे में। एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं बिजनेस प्लान को प्रिपेयर करने में। फर्स्ट क्या होना चाहिए, कवर पेज होना चाहिए, टाइटल पेज होना चाहिए, टेबल ऑफ कंटेंट होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव समरी होनी चाहिए, कंपनी का डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज होनी चाहिए, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस होना चाहिए, डिजाइन एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट प्लान, फाइनेंशियल फैक्टर। ये सारे का सारे क्या है, एलिमेंट है बिजनेस प्लान को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, फर्स्ट हमने क्या देखा, फर्स्ट के अंदर हमने टाइटल पेज यानी कि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी नाम है, विजन है, मिशन है, वो हम टाइटल पेज में। टेबल ऑफ कंटेंट में हम इंडेक्स इंक्लूड करते हैं। एग्जीक्यूटिव समरी में क्या होता है, एंटरप्रेन्योर अपने हाथ से लिख देता है विजन और मिशन, कंपनी का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट और सर्विसेज, मार्केटिंग एंड कंपटीशन, मार्केट एंड सेलिंग स्ट्रेटजी। ऑर्गेनाइजेशन प्लान में हम देखते हैं कितनी शिफ्ट चलाएं और वो कैसे पूरी होंगी, क्या क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हम ऑपरेशन प्लान बनाते हैं। मैनेजमेंट फिर करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन करते हैं। फाइनेंस में हम देखते हैं लोन वगैरह कहाँ से लेना है। स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट में हम क्या करते हैं, थोड़े से स्मॉल से मीडियम, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सब इंक्लूड करते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें इसके एलिमेंट्स, टाइटल पेज, कवर पेज, टेबल ऑफ कंटेंट, एग्जीक्यूटिव समरी, कंपनी का डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, मार्केटिंग कंपटीशन, मार्केट एंड सेलिंग स्ट्रेटजी, ऑपरेटिंग प्लान, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंसिंग और स्पॉटिंग डॉक्यूमेंट, ये सभी के सभी क्या है, एलिमेंट है बिजनेस प्लान को प्रिपेयर करने के। दिस इज ऑल अबाउट द बिजनेस प्लान एंड नेक्स्ट में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।